हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश हेड करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रोहू फिश है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और नमक हल्दी लगा कर रख लिया था। और इसको मैंने आज टमाटर के साथ बनाया है। तो मैंने कैसे बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी हुआ था, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया था, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। जब तक धुआं ना निकले तब तक आपको सरसों तेल को गर्म करना है। और जो मछली है उसका जो सर है, सर को हमको अच्छे से धो धा कर उसको हाफ करके इसमें नमक हल्दी लगाकर हम आधा घंटा के लिए या 15 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर इसको हम तेल में अच्छे से, जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, लाल ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है। इसको अच्छे से आपको कम आँच, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसमें काफ़ी तेल होता है तो इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, 2 बॉयल आलू, थोड़ा सा अदरक लहसुन और मिर्ची को पेस्ट कर लिया था और थोड़ा धनिया। तो उसी तेल में मैंने, जो फ्राई किया हुआ तेल में ही मैंने थोड़ा सा काला जीरा डाल दिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिया। तो ये हम करी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, बहुत कम भी नहीं। प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा तब इसमें हम हल्का सा हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी मछली में हल्दी से मैरिनेशन किया था। तो अब मैंने जो अदरक लहसुन थोड़ा सा पीसा हुआ था मिर्ची के साथ उसको डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी डाल दिया। मसाले हम बहुत ही कम देंगे, नाममात्र देंगे। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं अदरक लहसुन। अब टमाटर अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया। तो नमक डालने से हमारे जो टमाटर है वो जल्दी गल जाएंगे। तो ढक दूंगी मैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद देख सकते हैं कि टमाटर थोड़ा सा गल गया है, पूरी तरह से नहीं गला है। तो वापस मैं इसको हिला के ढक दूंगी। फिर से इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, कम आँच में ही पकाऊंगी। और 2 मिनट बाद मैं इसको उठाऊंगी ढक्कन को। ढक्कन को उठाने के बाद दिख रहा है कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो हमको टमाटर को अच्छे से पकाना है ताकि वो पूरा मैश हो जाए, करी में अच्छे से मिल जाए। और इसी वक्त आप थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लीजिए कि नमक आपका कितना है, आपको कितना चाहिए वो अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। जो 2 आलू रखे थे मैंने, इसमें मैं मैश करके डाल दूंगी और इसको अच्छे से हिला लूंगी। आलू, टमाटर, ये पूरा अच्छे से हिला लूंगी। इसमें आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब कुछ भी नहीं डालेंगे, बहुत कम मसालों के साथ। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको अच्छे से हिलाने के बाद ये पक जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा तेल छोड़ रहा है टमाटर और आलू। इसी वक्त मैं क्या करूँगी, पानी डाल दूँगी। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा इसमें। और मैंने करीब 250 ml पानी डाला है इसमें। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब इसमें हम जो रोहू माच का सर है, जो हमने फ्राई करके रखा है, उसको हम इसमें डाल देंगे। जब भी हम फिश करी बनाते हैं तो हमेशा हमको पहले उसको जो झोल है इसको हमको बॉईल लाना है। बॉईल लाने के बाद ही हम इसमें फिश हो या फिश हेड हो उसमें तभी हम डालेंगे। तो जो मैंने फ्राई करके रखा था फिश हेड को, उसको मैंने तोड़ दिया थोड़ा हाथों से हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा तेल होता है मछली का, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा तोड़ देने से क्या होता है, तो ये फ़िश करी में अच्छे से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मत तोड़िएगा, बस 3 से 4 टुकड़े कर दीजिएगा उसका। तो उसका जो सर का जो जितना भी जो ऑयल है, तेल है, वो फ़िश का करी में अच्छे से मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये तेल छोड़ रहा है, ये फ़िश ने भी अपना तेल छोड़ दिया है। बस ये करी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी वक्त अभी मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दूंगी। और हरा धनिया छिड़कने के बाद वापस से मैं इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसको ढककर वापस से थोड़ा पका लूँगी, ताकि धनिया का स्मेल भी करी में अच्छे से आ जाए। तो इसको मैं दोपहर को गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करूंगी। आप भी इसको ज़रूर घर पे बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। घर पर ज़रूर बनाइए इस तरीके से। लोग ज़्यादातर मूंग दाल के साथ बनाते हैं, तो एक बार आप ये रेसिपी भी ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो क्योंकि ये लोहे का कढ़ाई है तो मैं कढ़ाई में इसको नहीं रखूँगी, साथ के साथ इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में या किसी भी स्टील के बर्तन में आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और बस ये बनकर बिल्कुल तैयार था। और इसका कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी हुआ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।